सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आपके पास जियो मोबाइल है तो अब से जो है आपको कोई भी अदर नेटवर्क पे आप फ़ोन करते हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, मतलब जियो को छोड़कर तो 6 पैसे पर मिनट आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो क्या है दोस्तों पूरा प्लान, आज के इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। और ये जो प्लान है जो जियो ने जो बदलाव किए हैं ये आप जब भी अगला रिचार्ज कराओगे तब से लागू होंगे। मतलब अभी जो करंट में आपका प्लान चल रहा है उस पर फिलहाल ये लागू नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट रिचार्ज जब भी होगा उस पर ये प्लान लागू होगा। मतलब आपका फ़ोन जो है सिर्फ जियो टू जियो लगेगा और अदर्स पे आप फ़ोन करोगे तो फ़ोन नहीं लगेगा, उसके लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन कौन से रिचार्ज हैं मैं आपको बता देता हूँ, 6 पैसे पर मिनट लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको माई जियो ऐप में बता देता हूँ, आपको माई जियो ऐप खोलना है। और इधर मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों ये IUC चार्जेस हैं, इसका मतलब होता है इंटर कनेक्टेड यूजेस चार्जेस, जो कि अदर टेलीकॉम कंपनी को देना पड़ता है जिस पर भी आप फ़ोन लगाते हो। जियो को छोड़कर जियो टू जियो अभी भी फ्री चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जैसा नेट है नेट भी फ्री चलेगा, जो भी आपका प्लान अभी चल रहा है ना सेम का सेम बेसिक रहेगा, बस अदर्स पे आप फ़ोन करोगे दूसरे नेटवर्क पर आप फ़ोन करोगे तो 6 पैसा पर मिनट लगेगा। तो देखिए अभी ये जो माई जियो की ऐप है आप अपडेट कर लेना प्ले स्टोर में जाके, और जब आप अपडेट करोगे तो ये देखिए रिचार्ज में जाओगे। तो रिचार्ज में जाने के बाद जो है जैसे कि मैं करता हूँ रिचार्ज योर नंबर, तो अभी आप देख सकते हैं प्लान एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहेंगे ये, लेकिन इधर पर आप जाओगे तो एक टॉपअप वाला जो है ऑप्शन आ गया होगा, आप इसको अपडेट कर लेना ऐप को अगर ये नहीं आ रहा है। तो ये देखिए तो इधर आप जब टॉपअप करोगे तो टॉपअप में आप देख सकते हो इतने सारे जो है प्लान है, मतलब ये फुल टॉक टाइम वाले जो टॉपअप हैं। अब इसमें आप छोटा टॉपअप करना है तो इधर मैं बता देता हूँ, रेगुलर टॉक टाइम में जाना है तो ये छोटे टॉपअप हैं 10, 20, 50, तो इसमें फुल टॉक टाइम नहीं मिलेगा। 10 रुपये में जो है 7.70 पैसे का मिलेगा और 20 रुपये में जो है 15 पैसा 39 जो है रुपीज़ मिलेगा, और इसमें 50 में जो है 14.48 रुपीज़ टॉक टाइम मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटे वाले हैं और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी जो आपका एग्जिस्टिंग प्लान है, मतलब जो भी आपने प्लान लेके रखा है 3 महीने वाला मान लीजिए जैसे कि 84 डेज 82 डेज, तो जब तक इनकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन इसमें एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, जियो ज़रूर आपसे 6 पैसे ले रहा है अदर्स जो है मोबाइल नेटवर्क पर फ़ोन करने के लिए, लेकिन इसमें आपको डेटा भी फ्री देगा। और क्या डेटा फ्री देगा मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए मैंने जो है मोबाइल में नोट करके रखा है। तो देखिए 10 रुपये में आपको 124 मिनट मिलेंगे अदर्स कॉलिंग के लिए दोस्तों, है ना। ये देखिए नॉन जियो नंबर्स लिखा हुआ है, जियो नंबर्स पे आपका फ्री रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा जैसे कि पहला था, और 1 GB डेटा मिलेगा। और ये जो डेटा की वैलिडिटी भी जो आपका प्लान चल रहा है ना उस प्लान तक जो है ये डेटा आपका वैलिड रहेगा। अब 20 रुपये में आपको 2 GB मिलेगा, और 50 रुपये वाला आप प्लान कराते हो तो इसमें 656 मिनट मिलेंगे, उसके साथ साथ 5 GB डेटा भी मिलेगा। और 100 रुपये का कराते हो तो ये देखिए 1362 मिनट्स मिलेंगे, उसके साथ 10 GB डेटा भी मिलेगा। और ये जो डेटा है आपका जो प्लान चल रहा होगा जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो दोस्तों इस टाइप से जो है कुछ जियो में बदलाव है, और ये बदलाव जो है नेक्स्ट रिचार्ज कराओगे तब आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी आपकी जो भी वैलिडिटी है फिलहाल तो वो वैसे की वैसे ही चलेगी। तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 से कुछ नियम चेंज हो सकते हैं जो कि इंटर कनेक्टेड चार्जेस 6 पैसे हैं, हो सकता है वो नील हो जाए। तो अगर वो नील हो जाएगा तो सेम जैसे अभी आपका प्लान है, मेरा मतलब है अदर नेटवर्क के लिए भी आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो 1 जनवरी 2020 को ही पता लगेगा या उसके बाद पता लगेगा, ऐसा ट्राई ने बोला था कि जहाँ तक हम चार्जेस नील कर देंगे। लेकिन अभी वो देखना होगा दोस्तों 1 जनवरी 2020 को। तो इस प्रकार से जियो में बदलाव हुए हैं, हालांकि छोटा मोटा बदलाव है दोस्तों, और इस पर इनकमिंग सब फ्री है। आप एयरटेल या वोडाफोन आइडिया कोई भी इनकमिंग करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चेंजेस अदर्स नेटवर्क पर आप जब फ़ोन करोगे तभी आपको 6 पैसा देना है। हालांकि अगर व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो वीडियो कॉलिंग करते हो ये सब फ्री रहेंगे एज इट इज़ जैसे कि फ्री चल रहे थे आपके। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी आपको कोई डाउट हो जियो को लेकर कोई प्लान को लेकर तो प्लीज़ जो है आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट द्वारा जो है जवाब दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।